greener. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. So मेरा नाम ज़फ़ीर ख़ान है और e-sports industry से professionally अब मेरा ताल्लुक तकरीबन 1.5 साल का है. अब when we talk about professional e-sports, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. पाकिस्तान में हमें ना बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली बहुत सारे टैबूज इसके साथ बने हुए हैं. जैसे कि अगर हम बात करें कि ई स्पोर्ट्स जो है वो एक टाइम वेस्टर, जिसको यहाँ पे लोग कहते हैं एक टाइम वेस्ट है कि और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा टैबू है. ऐसा है नहीं. और ई स्पोर्ट्स एक बहुत मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है. अडेप्टन पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा स्लो है, बट चीज़ें बेहतर हो रही हैं इसकी. हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ई स्पोर्ट्स हैं उसकी तरफ स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को हम जो है वो अवेयरनेस दें कि किस तरह से ये इंडस्ट्री जो है वो बूम ले सकती है. और हमारा जो है वो एक अलमिया रहा है कि हम नए नए इनिशिएटिव्स को, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते बड़ा टाइम लगा देते हैं, तो हमें सोचना नहीं है, अब हमें एक्ट करना है. हमारा सबसे बड़ा जो, जैसे हमने बात करी कि ई स्पोर्ट्स का क्रिटिक है कि इसको लोग टाइम वेस्टर समझते हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ इससे एसोसिएट होती है, जो पेरेंट्स की शिकायत होती है, वो ये होती है कि ये लोगों को उनकी पढ़ाई में मुश्किल पैदा करता है. बच्चे पढ़ते नहीं हैं और क्या कहते हैं और गेम्स खेलते हैं और उनका फ्यूचर उससे ख़राब हो जाएगा एंड मल्टीपल अदर रीजन्स अबाउट दैट. तो वी हैड टू डू अ कैंपेन फॉर दैट, वी हैड टू वर्क ऑन दैट एंड वी हैड टू एक्चुअली एम्पावर द यूथ. तो फिर हमने क्या किया कि हमने ई स्पोर्ट के सबसे बड़ा क्रिटिक को उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म किया. एंड वॉट वी एक्चुअली डिड इज कि हमने कैंपस चैलेंज जैसी एक कैंपेन इंट्रोड्यूस कराई, फ्री फायर कैंपस चैलेंज, जो कि पाकिस्तान की 9 यूनिवर्सिटीज़ में हुआ. इसको बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और तकरीबन अराउंड 33.6 मिलियन PKR की हमने स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करी. और 36 स्टूडेंट्स थे जिनको जो पूरे पाकिस्तान से जीते थे और जिनको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए स्कॉलरशिप फ्री फायर की तरफ से मिली. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो अट्रैक्टिव जो अच्छी बात थी मेरे लिए और मेरे इदारे के लिए, वो ये थी कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उसका स्कॉलरशिप दे रहे थे. स्कॉलरशिप इन टर्म्स ऑफ उसकी फ़ीस, जो उसकी फ़ीस माफ़ होनी थी, जो उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होने थे, वो एक बड़ी अच्छी बात थी. और वो जो आपकी टीम ने हमें एक सजेशन दी कि हम इस तरह करना चाहते हैं, इसमें एक अच्छी बात ये थी कि इन्होंने स्टूडेंट्स को गेमिंग में इन्वॉल्व भी किया और जो इनाम था वो स्कॉलरशिप्स थी. सो स्टूडेंट्स में गेम का शौक़ तो था ही और उसके साथ उन्हें स्कॉलरशिप्स हासिल करने के लिए फ़ाइट की और इन द एंड जो विनर्स थे उनको स्कॉलरशिप्स दी गई, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव रुझान पैदा हुआ. तो जब हमने सोचा कि हमने ये कैंपेन करनी है और हमने जब इसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया और पूरा कैंपेन का हमने प्लान की और सारी चीज़ें हमारी ऑपरेशंस तैयार थे एंड वी वर ऑल सेट टू गो टू द यूनिवर्सिटीज़. एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना, वहाँ पे हर उनकी मैनेजमेंट को, उनकी फैकल्टी को ये एक्चुअली एक्सप्लेन करना कि ये एक्टिविटी क्या है. क्योंकि आज से पहले तो कोई ई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई नहीं ना ऑफिशियल, किसी कोई ई स्पोर्ट्स कंपनी इस तरह ग्रास रूट कैंपस पर गई नहीं है, तो इसका कोई रेफरेंस नहीं था, इसकी कोई एग्जाम्पल्स नहीं थी. तो मतलब जो करना था ना वो खुद ही करना था सारा. पहले तो हमें इस कंपटीशन का एज सच आइडिया नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट डे उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन की फॉर द रजिस्ट्रेशन, उनका जो एक इन्वायरमेंट देखा और वो जो टेक्नोलॉजी की इंडोर्समेंट देखी, उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ. इवेंट वाले दिन जो फेस्टिविटी थी, जो स्टूडेंट्स का इंजॉयमेंट था, जो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन थी, आपको सिर्फ इस कैंपस से स्टूडेंट नहीं आए थे, हमारे पूरे लाहौर के कैंपसेस के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करने आए थे, क्योंकि आपकी टीम ने इतना ज़बरदस्त किस्म का उसको प्रमोट किया था. और आपको मज़े की बात बताऊं कि ये हमारा मेन कैंपस है, विनर जो टीम थी वो हमारे एडजेसेंट किसी कैंपस की टीम थी जो विन करके गई यहाँ पे. आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव दैट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, वेयर अ कोकरिकुलर एक्टिविटी इज डायरेक्टली टाइड इनटू योर करिकुलर kind of pursuit and your education. We are here at the campus challenge, Superior University. Energy was very good. Aur bahut maza aaya yahan.
मी एज अ पर्सन आई हैव ऑलवेज बीन इनटू गेम्स बचपन से, बट यू नो घर से हमेशा यही होता था कि कैसे अपना करियर बनाओगी, लाइक पढ़ाई छोड़ के ये कर रही हो. बट आई थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी व्हेन आई डू समथिंग एंड आई एम गुड एट इट. सो फ्री फायर पाकिस्तान गेव एन अपॉर्चुनिटी टू मी टू पार्टिसिपेट इनटू देयर कैंपस चैलेंज एंड आई बिलीव दैट इट वॉज वेरी सक्सेसफुल एज इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ स्कॉलरशिप. मेरी वैसे बेसिक एक फ़िलासफ़ी थी कि कोई भी ई स्पोर्ट इवेंट आएगा जैसे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी लेवल पे, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना है. जब हम इंफॉर्मेशन डेस्क पे पहुंचे तो वो कह रहे थे आपको स्क्वाड चाहिए, एटलीस्ट 4 बंदे चाहिए आपको. तो बस मैं था और मेरा एक कॉलीग था, हम आगे पीछे ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर हमें 2 जूनियर्स मिल गए, उनके पास भी 2 बंदे कम थे, इसलिए मतलब एट द स्पॉट हम मिले, टीम बन गई और मतलब हमने फिर रजिस्ट्रेशन करा ली. 400,000 रुपीज़ इन अ यूनिवर्सिटी, दैट टू ऑफ अ स्कॉलरशिप, बहुत एक बड़ा सरप्राइज़ था हमारे लिए, क्योंकि ऐसा पहले हमने कभी देखा भी नहीं है ऐसी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी में आते हुए, ना ही किसी और यूनिवर्सिटी में हमने देखी है ऐसी अपॉर्चुनिटी. तो वी थॉट इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग स्टंट. फिर इट टर्नड आउट के अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ केम टू डिस्ट्रीब्यूट द मर्चेंडाइज, टू प्रमोट द इवेंट. तब वी गॉट टू नो कि यार दिस इज़ अ बिग डील. तो फ्री फायर वॉज डूइंग समथिंग ह्यूज, एंड फिर हमने रियलाइज़ किया कि यार 400,000 रुपीज़ इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड वी कैन रियली कैश आउट ऑन इट. मैं फ्री फायर स्पोर्ट्स पाकिस्तान के पेज को फॉलो कर रहा था, तो उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया था कैंपस चैलेंज का, तो उसके अंदर कॉम्सेट्स का नाम आया था, तो मैं काफ़ी खुश हुआ था कि कॉम्सेट्स यूनिवर्सिटी में आ रहा है फ्री फायर का टूर्नामेंट, जो स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ आपकी स्कॉलरशिप भी हो जाएगी. तो मैं क्योंकि फ्री फायर पहले से खेलता आ रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, तो फिर मैंने इसको फॉलो किया और मैंने खेला. अभी फ्री फायर से पहले सारा क्रिकेट ही खेल लिया शुरू से ही. शुरू में पहले मैट्रिक कर लिया, उसमें नंबर आ गए, उसके बाद फिर मैं गेम में लग गया बहुत ज़्यादा. फिर ये था कि ये सारी सारी रात फ्री फायर खेलते रहना, घर वालों को इतराज़ बना के. जब भी मैं देखा आपने मोबाइल में और पता है सारा दिन बस गेम, घर वालों को इतराज़ होता था कि ये टाइम ज़ाया, कोई फ़ायदा नहीं है इसका. सबसे इम्पॉर्टेंट टैबू आ जाता है फैमिली सपोर्ट का, कि आज भी हमारे जो जनरेशन, जो बड़ी जनरेशन है, जो कि 35-40 प्लस जनरेशन है, जो कि यूजुअली जो पेरेंट्स हैं, जिनकी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो उनकी अडाप्टेशन इस चीज़ से बहुत कम है. तो टेक बेस्ड कैरियर्स का रुझान पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है नहीं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, और ऐसा बहुत सारा टैलेंट है पाकिस्तान का जो नहीं आगे आ पाता बिकॉज उनकी फैमिली सपोर्ट उनको नहीं होती है. पेरेंट्स का ये था कि उनके सामने तो ज़ाहिर है गेमिंग तो एक तरह से कर्ज था, मतलब पूरा दिन टीवी मोबाइल के आगे बैठे रहो, वो कहते थे ना कुछ हासिल ना हुजूल, करते क्या हो. तो खानदान में भी कहते थे, सारे मोहल्ले वाले भी सारे कहते होते थे, कोई अंकल वगैरह गुजरे हैं, हम लोग क्रिकेट छोड़ के हमने फ्री फायर खेलनी शुरू कर देनी गली में बैठ के, उनके भी घर वाले सारे कह रहे हैं कि नहीं अच्छा काम नहीं है. क्रिकेट का तो वो बहुत शौकीन था ये, लेकिन पढ़ाई की तरफ जब तरफ आया ना, पढ़ाई में भी ठीक था ये, लेकिन ज़्यादातर ये जो गेमें कंप्यूटर वाली और मोबाइल पर लगा रहता है. पढ़ाई में मैं इतना ख़ास नहीं था शुरू से ही, तो मुझे नहीं लगता था कभी स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी मुझे, लेकिन मिल गई मुझे गेमिंग की स्कॉलरशिप ग्रीना की तरफ से, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका जिन्होंने मुझे गेमिंग की स्कॉलरशिप दी. यू नो यू सी दिस डिलेमा के यूनिवर्सिटी में इवेंट हो रहा है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है, लेकिन इवेंट किस चीज़ का, गेमिंग का. सो दिस वॉज समथिंग न्यू टू माई पेरेंट्स एंड दैट चेंज द परस्पेक्टिव ऑफ माई पेरेंट्स एज वेल, दैट due to this gaming and this due to this interest in kazan mein cheez aayi ki I can actually continue it as my career as well. jab maine admission liya yahan pe to ittefaq se yahi campus challenge ho gaya free fire ka, to hum logon ne jab phir ye win kiya jab tournament ye wala campus challenge, uske baad phir ghar wale bhi chup, bahar mohalle wale, khandan wale sare chup ho gaye. phir jo kehte the pehle ke time zaya kar rahe 2-2.5 saal se kuch bhi nahi, koi fayda nahi iska, wo phir aage jab mere agle university ke to 4 saal hai, वो इसी में सारी स्कॉलरशिप में हो जाएंगे, इजीली कवर हो जाएंगे. मुझे गुस्सा चढ़ता था मुझे इससे कि यार पढ़ाई की तरफ तवज्जो ही नहीं इसकी बिल्कुल ही, तो जब देखा मोबाइल तो जब मैंने इसकी तरफ सुना कि इसका इस तरह कंपटीशन में नाम मिल रहा है, तो सारे घर वाले परेशान, हैरान भी और खुश भी बहुत, कि चलो इसने कोई तो काम अच्छा किया. लोगों के लिए स्कॉलरशिप काफ़ी कीमती होती है, लोग चाहते हैं कि उन्हें स्कॉलरशिप मिले, स्कॉलरशिप के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, और रिसीविंग इट फ्रॉम जस्ट प्लेइंग गेम, इट वॉज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. जब हम ग्रास रूट पे जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं. इस कैंपेन को करने का मकसद ये था कि हम माइंडसेट को चेंज करें.
ई स्पोर्ट्स के सबसे बड़े क्रिटिक को हम ट्रांसफॉर्म करें उसके सबसे यूनिक पॉइंट के अंदर कि वहाँ जहाँ वो लोगों को एजुकेशन में भी सपोर्ट करें। हम बहुत सारे कैंपसेस में गए जहाँ पे हमें ऐसे अच्छे खेलने वाले लोग मिले जिनको एक्चुअली स्कॉलरशिप की नीड थी, दे वांटेड दैट स्कॉलरशिप टू फंड देयर एजुकेशन। हर बंदे से पूछो पैसों का वो तो कहेगा डेफिनेटली मुझे ज़रूरत थी, लेकिन मैंने जिस तरह आपको अपने बैकग्राउंड का बताया, सिंगल पेरेंट्स से मतलब मैं ब्रॉट अप हुआ हूँ, 5 सिबलिंग्स हैं, तो वो थोड़ा चलो सैड बैक स्टोरी जनरेट हो जाती है इस पॉइंट पे, लेकिन आई थिंक मुझे असल में फीस की ज़रूरत थी, सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर द कैंपस चैलेंज इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन मेरी स्टोरी स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये थी कि आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, इवन दो माय पेरेंट्स आर पेइंग माय यूनिवर्सिटी फीस, लेकिन मुझे ये था कि आई डिड नॉट वांट टू पुट अ प्रेशर ऑन देम कि मुझे एक पीसी लेना था, और ये पीसी लेने का मैं सोच रहा हूँ फॉर एडिटिंग पर्पसेस एंड फॉर अ लॉट ऑफ पर्पसेस क्लोज टू मी, लेकिन मैं प्रेशर नहीं देना चाह रहा था फाइनेंशियली ऑन माय पेरेंट्स। एज अ स्टूडेंट पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है, फैमिली मैटर्स कुछ ऐसे थे कि खेल नहीं सकता था गेम, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो, हर वक्त पढ़ाई, वो बोरिंग सब कुछ, यूनिवर्सिटी आना है, पढ़ना है और वापस घर चले जाना है। जब फ्री फायर ने मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, हमने अच्छी गेमिंग की, उसके बाद मुझे मतलब कि काफ़ी इनिशिएटिव मिले कि यार आप खेलो, गेमिंग करो, आप करो, इससे पैसे कमा सकते हो आप। इतना एक रैंडम इवेंट जो अचानक से मेरे साथ एक दिन में हो गया, इट डिड नॉट ओनली गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू जस्ट गेट रिकग्निशन अराउंड माई यूनिवर्सिटी, इट गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू बाय माई पी सी विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट फ्रॉम माई ओन मनी, तो इट वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी एंड आई विल फाइनली बी बाइंग माई पी सी एंड इट इज़ ऑल थैंक्स टू फ्री फायर। Although I couldn't win it, but it really motivated me that I can pursue this as my career in future. And campus challenge and winning a scholarship, I think it's a brilliant idea. In future, esports itna in ho jaye Pakistan mein, jis tarah cricket bahut zyada trending pe hai, football hai, baaki games jis tarah log dekhte hain, is tarah esports bhi dekhe, kyunki esports on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. लोगे कूदोगे तो भी शायद नवाब बन जाओ। सो कहने का मकसद ये कि गेम्स की एवोल्यूशन के साथ अब ना इसका ताल्लुक किसी एज ग्रुप से है और ना इसका ताल्लुक किसी खास तबके से है। मैंने फ्री फायर के लिए बहुत सारी कैंपेन्स की हैं, बट दिस विल ऑलवेज बी अ वेरी क्लोज कैंपेन टू माई हार्ट, बिकॉज हमने सिर्फ माइंडसेट नहीं चेंज करा, हमने एक्चुअल किसी को एक अपॉर्चुनिटी दी है उसकी ज़िंदगी को बदलने की, कि वो एजुकेशन भी हासिल कर सकता है उस चीज़ से जिसको सारी ज़िंदगी उसने ये सुनाया कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो दिस वॉज समथिंग रियली क्लोज टू माई हार्ट।